चैत्र नवरात्र के अंतिम दिन रूपाली महतारी गुड़ी बहुदेश संस्था द्वारा ग्राम उमरपोटी के शीतला मंदिर में नौ कन्याओं को कन्या भोज कराया गया। भोज के पूर्व कन्याओं को पारंपरिक रूप से तैयार कर उनकी पूजा की गई। रूपाली महतारी गुड़ी बहुउद्देशी संस्था द्वारा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी चैत्र नवरात्र के अंतिम दिन ग्राम उमरपोटी के शीतला मंदिर में नौ कन्याओं को विधिवत रूप से कन्या भोज कराया गया। कन्या भोज के पूर्व कन्याओं को छत्तीसगढ़ की पारंपरिक वेशभूषा में तैयार कर उनकी पूजा की गई और छत्तीसगढ़ का ही पारंपरिक भोज कराया गया। सभी आयोजन मंदिर परिसर में संपन्न हुए, जिसमें संस्था से जुड़ी महिलाएं शामिल हुईं। महिलाओं ने मंदिर परिसर में माता के भजनों की प्रस्तुतियां भी दी। संस्था के अध्यक्ष शांता शर्मा, संस्था के संरक्षक टिकेंद्र ठाकुर, कोषाध्यक्ष मालती यादव और संस्था के एक अन्य पदाधिकारी ने आयोजन की जानकारी दी। आज नवमी तिथि है और नौकन्या भोजन का हमारी हिंदू धर्म में जो मान्यता है उस हिसाब से हम लोगों ने यहाँ नौकन्या भोजन का आयोजन किया है। ये नौकन्या भोजन विशेषता यह है कि इसमें पूरे छत्तीसगढ़ी व्यंजन हैं और हमारी पूरी छत्तीसगढ़ी संस्कृति को नौ देवियों के रूप में हम सजाते हैं और करते हैं। इस कार्यक्रम का आयोजन हरदी गाँव जांजगीर जिला बिलासपुर संभाग से ऑस्ट्रेलिया की श्रीमती अंजू देवानंदन जी के द्वारा हुआ है। मैं संस्था की ओर से उनका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ और लोग से भी मैं अनुरोध करती हूँ कि हमारी ये संस्कृति को बचाने के लिए हाथ बढ़ाएं और हमारे साथ आएं। अध्यक्ष रूपाली महतारी गुड़ी बहुउद्देशी संस्था सुश्री शांता शर्मा। मेरा नाम टिकेंद्र कुमार ठाकुर है। मैं महतारी गुड़ी बहुउद्देशी संस्था का संरक्षक हूँ और आज यहाँ हमारे ग्राम उमरपोटी में कुपोषण सुपोषण के लिए यहाँ पे बच्चों को नौ कन्या भोजन कराया जा रहा है आज नवरात्रि के नवमी के दिन पे। और ये हमारी संस्था गरीब बच्चों के लिए करके काम करता है। जय जोहार जय छत्तीसगढ़। मैं नाम मालती यादव रूपाली महतारी गुड़ी की कोषाध्यक्ष बोल रही हूँ और यह अपन भारतीय सभ्यता संस्कृति में छत्तीसगढ़ सभ्यता संस्कृति को बनाए रखने के लिए हमेशा सभी छत्तीसगढ़ निवासी को साथ भारत नवासियों को मैं आज शुभ अवसर नवरात्रि के अवसर पर मैं सबको एक कहना चाहती हूँ कि सभी इस हमारे छत्तीसगढ़ी पोशाक गहना गट्टे को ध्यान रखें और साथ साथ इसको हमारे प्रचार के साथ साथ माध्यम को उपयोग भी करें, ना कि उसको लुप्त होने में हमारा सहयोग ना देकर उसका सहयोग करें कि हम इस संस्कृति को ध्यान में रखें। नमस्कार, मेरा नाम कुंदन मार्कंड है। मैं रूपाली महतारी गुड़ी बहुउद्देशी संस्था का संरक्षक हूँ और प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी रामनवमी के अवसर पर हम यहाँ पे नौ कन्या भोज का आयोजन करवा रहे हैं उमरकोटी के शीतला मंदिर प्रांगण में। और हमारा मुख्य उद्देश्य इस आयोजन का ये है कि हमारी जो संस्कृति विलुप्त होते जा रही है उसको बचाने के लिए ये आयोजन हम करवा रहे हैं, जिसमें इसके मुख्य आकर्षण ये है कि हमारी जो 10 साल से छोटी कन्याएं हैं हमारे गांव की उमरपोटी की, उनको पूरी तरह से छत्तीसगढ़ी वेशभूषा में और जो उनके व्यंजन भी है हमारे वो भी सारी छत्तीसगढ़ी व्यंजन ही हैं वो परोसा जाएगा और उनकी पूजा की जाएगी। और इसी तरह हम एक अपना नवरात्रि जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बचाने संस्था द्वारा लगातार कार्य किया जा रहा है। बच्चों को कुपोषण से सुपोषण की ओर ले जाने संस्था निरंतर प्रयासरत है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।